सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जो हमारी निसान कंपनी की टेरेनो जो कार आती है उसके ट्यूबलेस टायर के बारे में। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं आपको ऐसे टायर के बारे में बताऊँगा जो कम्फर्ट होता है एंड लॉन्ग लाइफ होता है और साउंड लेस टायर होता है। और मैं आपको चार टायर टार चेंजर मशीन से फिट करके भी दिखाऊँगा जो हमारी निसान कंपनी की टेरेनो जो कार आती है तो उसमें टायर को टायर चेंजर मशीन से फिट करके भी दिखाऊंगा। और ट्यूबलेस टायर टायर चेंजर मशीन से ही फिट होना चाहिए क्योंकि जो हमारा रिम होता है उस पर स्क्रेच वगैरह भी नहीं आती है और फिटमेंट भी प्रॉपर आ जाती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा टायर है जो हमारी निसान कंपनी की टेरेनो जो कार आती है उसके लिए बेस्ट टायर है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये टायर है जो हमारी निसान कंपनी की टेरेनो जो कार आती है उसके लिए बेस्ट टायर है। और मैं आपको इसी टायर के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं इसमें देखने के लिए और क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे इस टायर से। तो सभी जानकारी मैं आपको इस टायर के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये देखिएगा इसी, ये MRF का टायर होता है और ये रेडियल टायर होता है। और MRF का जो टायर होता है अच्छा टायर होता है। अगर इसके मॉडल की बात करें तो मैं दिखा देता हूँ इसका जो मॉडल होता है। तो ये देख सकते हो गाइस, ये MRF का टायर होता है और ये बेंडरर के नाम से ये टायर आता है। गाइस बेंडरर जो टायर होता है अच्छा टायर होता है और ये स्पोर्ट करके बनाया है ये कंपनी ने, यानी कि इसका जो मॉडल होता है बेंडरर स्पोर्ट के नाम से ये टायर आता है। गाइस वो बेंडर स्पोर्ट जो टायर होता है अच्छा टायर होता है और इसका साइज है 215/65/16 जो कि हमारी निसान कंपनी की टेरेनो जो कार आती है उसका टायर का साइज होता है। और ये 98H रीडिंग का टायर होता है। गाइस H जो होती है हमारी हाई स्पीड रीडिंग होती है, यानी कि 210 की स्पीड रीडिंग होती है। और 98 जो होती है हमारी लोडिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है 750 kgs होती है। और ये देखिए गाइस, ये ट्यूबलेस टायर होता है, इसका मैक्सिमम लोड है 750 kgs और मैक्सिमम प्रेशर है इसका 350 kPa। और ट्रेड है इसकी 2-ply पॉलिस्टर, साइड बॉल भी इसकी 2-ply पॉलिस्टर और 2-ply स्टील और 1-ply नायलॉन। तो गाइस इसकी जो साइड वॉल होती है स्ट्रॉन्ग होती है एंड कंफर्ट भी होती है। और ये सॉफ्ट कंपाउंड वाला ये टायर होता है। और ये देख सकते हो गाइस, ये आउटसाइड और इनसाइड वाला टायर होता है। ये वाली जो साइड है हमारी बाहर की तरफ रहती है, यानी कि आउटसाइड है। देखिए गाइस, इसके जो ब्लॉक्स हैं वो अलग हैं और इस ये वाली जो साइड है हमारी इनसाइड वाली, ये इसके जो ब्लॉक्स हैं वो अलग हैं। तो इससे क्या होता है, जब हमारी गाड़ी बरसात के मौसम में या कीचड़ वगैरह में चलती है तो कभी भी ये पानी को बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ खींचता है, तो जो हमारी गाड़ी के साइडों में कीचड़ वगैरह लग जाता है तो वो नहीं लगता है इस टायर से। एंड गाइस, अगर इसकी गारंटी की बात करें तो 6 साल की इसकी गारंटी होती है मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट की। जैसे कि साइड से क्रैक हो जाता है या बबल कर जाता है तो उसकी गारंटी में आता है ये टायर, या फिर आपकी गाड़ी तेज़ स्पीड से चलती है और अचानक में गड्ढे में या ब्रेकर पर चढ़ जाती है और जो अंदर से रिम से जो टच होकर कट जाता है तो उसकी भी गारंटी में आता है ये टायर, यानी कि इसकी 6 साल की गारंटी होती है कहीं से फूल जाए या चटक जाए। ये देखिए गाइस, इस साइड के जो ब्लॉक्स हैं ये बंद हैं और ये वाली जो साइड है हमारी, इसके जो ब्लॉक्स हैं वो खुले हुए हैं। तो इससे क्या होता है, जब हमारी गाड़ी बरसात के मौसम में या कीचड़ वगैरह में चली जाती है और इसके जो साइड के जो ब्लॉक्स हैं खुले हुए, इसमें से कीचड़ बाहर निकल जाता है और ब्रेकिंग अच्छी आने लगती है। और ये माइलेज में भी अच्छा है, यानी कि आपकी गाड़ी का जो फ्यूल होता है उसमें भी बचत होगी इस टायर से, यानी कि माइलेज अच्छे मिलेंगे इस टायर से। तो ये देखिए गाइस, ये MRF बेंडर स्पोर्ट के नाम से ये टायर आता है। गाइस वो बेंडर स्पोर्ट जो टायर होता है अच्छा टायर होता है। और ये देखिए गाइस, सिटी हाईवे परफॉर्मेंस, यानी कि सिटी और हाईवे के लिए दोनों के लिए बेस्ट है। और बेट परफॉर्मेंस, यानी कि कच्ची पक्की और गीली सड़कों के लिए बेस्ट है ये टायर। और ऑल वेदर परफॉर्मेंस, यानी किसी भी मौसम में आप इस टायर को यूज कर सकते हो। एंड गाइस, अगर इसके किलोमीटर सर्विस की बात करें तो ये 90,000 किलोमीटर आपको सर्विस देगा। शर्त यह है कि हर 5,000 किलोमीटर चलने के बाद जो हमारा व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है हमारी टायर की लाइफ बढ़ाने के लिए। अगर आपकी गाड़ी का व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट प्रॉपर रहता है तो ये 90,000 किलोमीटर गारंटी से सर्विस देगा। तो बहुत ही बेस्ट टायर है, आप इस टायर को डलवा सकते हो। अगर आपके पास जो निसान कंपनी की टेरेनो जो कार आती है तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट टायर है। माइलेज में भी अच्छा, रबर क्वालिटी भी इसकी बेस्ट है एंड इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा है इस टायर का। और कंप्यूटर जनरेटेड इसके ब्लॉक्स हैं एंड स्ट्रक्चर प्रोफाइल है, तो बहुत ही बेस्ट टायर है, आप इस टायर को डलवा सकते हो। और ये चार टायर टायर चेंजर मशीन से फिट करके भी दिखाऊंगा जो हमारी निसान कंपनी की टेरेनो जो कार आती है तो उसमें टायर को टायर चेंजर मशीन से फिट करके भी दिखाऊँगा। और ट्यूबलेस टायर टायर चेंजर मशीन से ही फिट होना चाहिए क्योंकि जो हमारा रिम होता है उस पर स्क्रेच वगैरह भी नहीं आती है और फिटमेंट भी प्रॉपर आ जाती है।
तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चार टायर टार चेंजर मशीन से फिट करके। तो गाइस वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो कि कौन सी गाड़ी के लिए कौन सा टायर बेस्ट है, तो मैं आपको उस टायर की वीडियो बनाकर डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि कौन सी गाड़ी के लिए कौन सा टायर बेस्ट है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।